गुड मॉर्निंग ऑल द टीचर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस थ्रू द मीट ऐप एज वेल एज जूम ऐप. सो टुडे आई विल डिस्कस हाउ टू शेयर द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड और हाउ टू शेयर व्हेन यू शेयर द पीडीएफ हाउ टू राइट ऑन दैट पीडीएफ और हाउ टू हाईलाइट सम पॉइंट्स ऑन दैट पीडीएफ दैट आई विल डिस्कस हेयर. So welcome to the video. If you feel that after watching this video this might be useful to you, then you may like and share this video with your friends. So without wasting any time, let's start this video. And here you can see some icons are available here. So I will use first Meet app. So here you can see From here you can see I have started the Meet app. So meeting is started. Okay, here I have started the meeting. Up to this point I think you know everything that how to start a meeting. You can see from here I have to start a new meeting in the Meet app. And this is the starting of meeting. After this I have to share the link with the students if I want to add the students, but currently I do not want to add the students. I have just to show you how to use the whiteboard etc. So that's why I have not added anyone. Then students, one thing you have to remember, how to show the complete screen to the students. Now I am using one app. I will highlight that app. This is the app that I am using here. This is the app. This is the app that I am using here, and the name of app is Draw on Screen. So this app is used to write on the PDF, to write on any part of your screen. आप किसी भी जगह पे हो स्क्रीन पे आप कुछ लिखना चाहते हो. Suppose you are in Meet app. आप वहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, then you can write. You are at anywhere, आप WhatsApp पे हो, कहीं पे भी हो, आप अपनी स्क्रीन को होल्ड करके कुछ लिखना चाहते हो, then you can use this app. And the link for this app is given in the description box. Description box में इस app का link आपको मिल जाएगा. So this is the app. चलिए अब देखते हैं किस तरह से ये app काम करती है. Okay, so this app is used for writing on the PDF or anything on your स्क्रीन. सो लेट्स सी ये किस तरह से काम कर रही है ऐप. ओके, नाउ आई एम ओपनिंग दिस ऐप. इस ऐप को ओपन किया है. ऑन ओपनिंग दिस ऐप यू विल सी आपके पास कुछ आइकन्स आ जाएंगे ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड. यू कैन सी हेयर, वेट, यू कैन सी हेयर, वेट, आपके फ़ोन के ऊपर आइकन्स विजिबल होंगे. आई थिंक दीज आर सम आइकन्स. तो इन आइकन्स का अपना अपना रोल है हर एक आइकन का, ठीक है. दीज आर द सम आइकन्स. दिस इज़ एग्जिट, ये एग्जिट करने के लिए यूज़ होता है. एंड दिस आइकन, ये जो आइकन है डॉट वाला, दिस आइकन इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग द स्क्रीन. अगर इस टाइम पे ये ऊपर क्लोज है दैट मीन्स आप कुछ लिख सकते हो. अगर ये आप किसके ऊपर क्लिक करोगे देन आपको परमिशन मिल जाएगी, फ़ोन को आपकी स्क्रीन होल्ड नहीं रहेगी. सो अनहोल्ड करने के लिए इसको आपको चेंज करना होगा, अदरवाइज इट इज़ नाउ. आप इस टाइम आपकी स्क्रीन क्या हो गई है, होल्ड. आप कुछ भी अपनी स्क्रीन के ऊपर टच नहीं कर सकते. अगर आप टच करोगे दैट विल राइट समथिंग, वो आपके ऊपर कुछ भी लिखेगा, ठीक है, जो भी आप टच करोगे जिस तरह से भी. सो लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको पता लगेगा. ओके, वेट, इरेज. चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे देखो अब इस टाइम आपकी स्क्रीन अनहोल्ड है, आप कुछ भी कर सकते हो. नाउ आई हैव रोटेटेड द स्क्रीन. मैंने इस टाइम अपने फ़ोन की स्क्रीन रोटेट कर ली है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जूम ऐप की, मीटिंग मीट ऐप की, कि हाउ टू रोटेट यूअर फ़ोन. आपकी स्क्रीन बच्चों को कम्प्लीट विजिबल हो, उसके लिए आपने क्या करना है. सो इस टाइम आई एम जूमिंग इन ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी रहे इसकी स्क्रीन की. सो मैंने थोड़ा सा जूम इन किया है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वन. तो देखो अब इस तरह से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे देखिए हाउ मैनी कलर्स आर अवेलेबल. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट आइकन. वेट फॉर जस्ट वन मिनट.
फ्रॉम दिस फर्स्ट आइकन आप यहाँ से काफ़ी कलर्स आपको मिल जाएंगे. फ्रॉम दिस आइकन यू कैन फाइंड मैनी कलर्स. देखिए कितने कलर्स आपको मिल गए हैं. और अगर स्टूडेंट्स को कुछ समझाना हो तो आपके पास बहुत से कलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे. सो दिस इज़ अ वेरी बिग बेनिफिट. इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है. बाकी हाँ, बहुत छोटी ऐप है, 2 to 3 MB. सो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, लाइक आई एम ड्राइंग अ डायग्राम हेयर, आप देख सकते हो आई एम ड्राइंग अ डायग्राम. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इस टाइम पे देखो ना, इस टाइम पे आई एम करंटली इन मीट ऐप. सो इफ़ आई वांट टू, अगर किसी स्टूडेंट की परमिशन आती है तो वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी. दैट मीन्स अगर मैं PDF कहीं ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होता है, स्टूडेंट्स की परमिशन आती रहती है, बट दैट परमिशन इज, वो परमिशन शो नहीं होती हमें. सो विद इन, इफ़ आई हैव टू एंटर द स्टूडेंट्स, अगर मुझे 5 to 6 minutes स्टूडेंट्स एंटर करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन कंटिन्यू राइटिंग क्वेश्चन इन द मीट ऐप. मैं मीट ऐप में जाकर वहाँ पे इस ऐप को ओपन करके, क्योंकि ये ऐप कहीं पे भी ओपन हो सकती है, ये आपकी बाय डिफॉल्ट जैसे कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर आ जाती है, उसी तरह से ये फ़ोन के ऊपर आ जाती है. सो इस ऐप को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. मैं इसको मीट ऐप में बेसिकली यूज़ करता हूँ जब स्टूडेंट्स को एंटर करना होता है. आफ्टर दैट हाँ, कभी PDF की ज़रूरत पड़ती है तो PDF के ऊपर भी हाईलाइट वगैरह करने के लिए हम यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट. ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप उस टाइम पे डायग्राम वगैरह बना रहे हो तो डायग्राम वगैरह बनाते टाइम आप इसको यूज़ करो और साथ के साथ स्टूडेंट्स को एंटर कर लो. स्टूडेंट्स को एंटर करने के लिए आपको एक फिर से छोटा सा काम करना पड़ेगा. टू एंटर द स्टूडेंट्स यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, ये जो नीचे वाला ऑप्शन ना, होल्ड वाला, ये आपको होल्ड एंड अनहोल्ड पे क्लिक करना होगा. मैं अभी आपको बताऊँगा यहाँ पे. जैसे सपोज आपने किसी स्टूडेंट को एंटर करना है, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है. सपोज यू हैव टू एंटर द स्टूडेंट्स, आपने किसी स्टूडेंट को एंटर करना है तो आप क्या करोगे, ओके वेट करना, आप इसको अनहोल्ड करोगे. अभी मैं लिख रहा हूँ. सो दिस इज़ द क्लैरिटी. ये अच्छी क्लैरिटी स्टूडेंट्स के ऊपर जाती है, ऑन योर स्टूडेंट स्क्रीन. गुड क्लैरिटी ऑफ दिस टास्क इज ऑब्टेंड. काफ़ी देर से हम भी यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी क्लैरिटी जाती है. और आप इस ऐप को अगर यूज़ करेंगे इट विल बी बेनिफिशियल टू यू, आपको बहुत बेनिफिट लगेगा. देन इस तरह से आपको इसको अनहोल्ड करना है. देखो अब यहाँ से अनहोल्ड हो रहा है. अब तो इस टाइम पे होल्ड है, इस टाइम पे आपकी स्क्रीन अनहोल्ड है, इस टाइम पे होल्ड है. और अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर लोगे, अब ये अनहोल्ड है, तो अब आप स्टूडेंट को एंटर कर सकते हो. तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस ऐप का, ठीक है. इसके बिना अगर आपने ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, वेट, तो चलो अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे. अगर आपने ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है तो ब्लैक बोर्ड के लिए एक अच्छी ऐप है, मैं आपको शो कर रहा हूँ. वेट करना, आई विल शो यू द ऐप. ऐप कौन सी थी? सो दिस इज़ द ऐप जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट आई एम यूजिंग फॉर द टीचिंग, है ना. दिस इज़ द ऐप ब्लैक बोर्ड. एंड दिस ब्लैक बोर्ड, इसमें वाइट बोर्ड भी मिल जाता है आपको, ब्लैक बोर्ड भी मिल जाता है. तो ये ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. इसके क्या बेनिफिट्स हैं, लेट्स सी दैट बेनिफिट्स आल्सो. जल्दी से बेनिफिट्स देखें एंड देन वी कैन क्विट द वीडियो. सो हेयर यू कैन सी, अब हम इस ब्लैक बोर्ड को यूज़ करेंगे. ओके, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ सो दैट इट विल बी मोर विजिबल, आपको अच्छे से विजिबल रहे स्क्रीन. ओके, सो दिस इज़ द ऐप. ये ब्लैक बोर्ड की ऐप है. एंड सम कलर्स आ, देखो यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हो आप फोटो को, कुछ भी लिखोगे देन इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है. आपको भी दिखेगा और स्टूडेंट्स को भी प्रॉपरली विदाउट एनी डिले दे विल गेट द इनकम, दे विल गेट द इन्फॉर्मेशन. सो दिस इज़ द कलर ऑप्शन. अब इसमें भी देखिए कितने कलर ऑप्शन हैं आपके पास. 5 कलर ऑप्शन तो है ही है. दिस वन वाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, दीज आर द 5 ऑप्शन. ये बिल्कुल डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन है. एंड वन ऑप्शन इज देयर जहाँ से आप मल्टीपल कलर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज द अनदर ऐप जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर द टीचिंग एंड दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल. तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि PDF के ऊपर किस तरह से लिखें, या फिर वाइट बोर्ड कैसे यूज़ करें, या फिर आप, ठीक है, बोर्ड के ऊपर कैसे लिखें. तो ये देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आर देयर. वन ऑप्शन इज ब्लैक बोर्ड, वन ऑप्शन इज़ प्योरली ब्लैक बोर्ड. ये देखो ब्लैक बोर्ड, अब ये बिल्कुल थोड़ा सा लाइट है जैसे स्कूल्स में होता है. सो दिस वन इज़ प्योरली, नॉट प्योरली ब्लैक बोर्ड, दिस इज़ सिंपल एंड दिस इज़ प्योरली ब्लैक बोर्ड. और अभी हमने यूज़ किया वाइट बोर्ड.
तो इसी बोर्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हो वाइट बोर्ड में भी, इसी बोर्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हो ब्लैक बोर्ड में भी। सो दिस इज़ द अनदर बेनिफिट ऑफ दिस ऐप। इस ऐप का एक और बेनिफिट है कि आप इसमें मल्टीपल बोर्ड्स यूज़ कर सकते हो, और इट वन इज़ प्योरली ब्लैक दैट आई एम यूजिंग, बिकॉज प्योरली ब्लैक की जो कॉन्ट्रास्ट है दैट इज़ बेटर। प्योरली ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट अच्छा रहता है, इसलिए मैं प्योरली ब्लैक यूज़ करता हूँ। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से आपने बोर्ड यूज़ करना है, किस तरह से आपने और क्या क्या करना है। सो दीज थिंग्स आर क्लियर, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। विद इन 1 to 2 minutes आई एम गोइंग टू डिस्कस के हाउ टू रीड द, हाउ टू एनोटेट ऑन द PDF, PDF के ऊपर आप किस तरह से लिखोगे। दिस इज़ अ वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, चलो आप देख सकते हो। 1, 2, 3 काइनेटिक एनर्जी वर्सेस करंट का ग्राफ है, एंड दिस इज अ फिजिक्स क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी 1 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 2, ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 3। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को वहाँ पे कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर एंड द वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू। इफ़ द वीडियो यू फील दैट दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू, देन यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, दैट विल बी अ बेनिफिट टू मी। ओके, थैंक यू सो मच, और उसका काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। व्यूज़ वगैरह चैनल के इंक्रीज़ हो जाएंगे तो अच्छी बात है, जस्ट स्टार्टिंग की है हमने चैनल की। एंड हाँ, अब एनोटेट ऑन द PDF इज रिमेनिंग, सो एनोटेट ऑन द PDF। चलो उसके लिए भी आप वही ऐप यूज़ करोगे, ठीक है। इस टाइम पे नहीं शो हो रहा वो, आई थिंक। ओके, वाइट बोर्ड, ठीक है बच्चे। जैसे हमने ये ऐप यूज़ किया है, दिस ऐप, जिस तरह से हमने ये ऐप यूज़ किया है, इसी तरह से अगर आपने कोई भी PDF ओपन करोगे, व्हेन यू विल ओपन दैट PDF, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ से आपके साथ फ्रॉम हेयर आप उस PDF को होल्ड करोगे। वेट, यू विल होल्ड, आप PDF को ओपन करोगे शेयर करके जूम मीट ऐप पे, देन यू विल होल्ड दैट PDF, आप इस बटन से होल्ड करोगे, और आफ्टर दैट आप यहाँ से कोई भी कलर लेके उस PDF के ऊपर कुछ भी एनोटेट कर सकते हो। सो इस तरह से अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन डिस्कस, और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो PDF का भी बताऊँ, बट ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है कि यूज़ क्या है, हाउ टू यूज़, आपको क्या करना है। यू हैव टू ओपन दैट ड्रॉ ऑन स्क्रीन ऐप, आप इस ड्रॉ ऑन स्क्रीन ऐप को ओपन करेंगे। इस ऐप के थ्रू कहीं भी अगर आप फ़ोन के ऊपर लिखना चाहते हो, सपोज आप जूम ऐप में हैं वहाँ पे लिखना चाहते हो, आप अपनी होम स्क्रीन पे, आपने सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू होल्ड द स्क्रीन, आपको स्क्रीन होल्ड करनी है, एंड टू होल्ड द स्क्रीन यू हैव टू यूज़ दिस बटन। आफ्टर प्रेसिंग दिस बटन, आप इस बटन को जब प्रेस करोगे देन यू विल गेट द होल्ड ऑन यूर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन होल्ड हो जाएगी, एंड एनीथिंग यू विल राइट विद योर हैंड्स, कोई भी आप अपने हैंड्स के साथ उसमें ड्राइंग करोगे या लिखोगे, दैट विल बी विजिबल विद द कलर ऑप्शन। यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट होगा उस कलर के साथ वो आपको दिख जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट फ्रॉम द टूडे इस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम ड्रॉ ऑन स्क्रीन करेंगे, जब हम स्टूडेंट्स को एंटर कर रहे हैं उस टाइम पे कैसे लिख सकते हैं, और वाइट बोर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर हमने PDF वगैरह के ऊपर कहीं पे लिखना है तो हम कैसे ड्रॉ ऑन स्क्रीन ऐप यूज़ करेंगे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए और स्क्रीन को अनहोल्ड करने के लिए। तो ऑप्शंस बहुत हैं इसमें ऐप में। वन, एक तो ऑप्शन ये है कि इसमें कलर ऑप्शन बहुत है, कलर ऑप्शन बहुत है, तो आप काफ़ी सारी ड्राइंग्स ईजिली बच्चों को समझा सकते हो। एक कलर आप बोल दो कि ये कलर से हमने ब्लॉक ड्रॉ किया, इस कलर से जो फोर्स लग रही है दैट इज़ दिस वन, तो बहुत से ऑप्शंस हैं। बाकी अनहोल्ड एंड होल्ड का ऑप्शन यहाँ से है, डायरेक्टली डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है, दैट मींस आप अगर पूरा फिगर डायग्राम डिलीट करना चाहते हो एट द सिंगल टाइम देन यू कैन ऑल्सो डिलीट, एंड इरेजर इज़ ऑल्सो अवेलेबल, अगर आप कुछ और पार्ट इरेजर से डिलीट करना चाहते हो देन इरेजर इज़ ऑल्सो अवेलेबल हेयर, एंड दिस वन इज़ ब्रश साइज, दिस वन इज ब्रश साइज, सो दिस वन इज ब्रश साइज। ब्रश साइज मीन्स के ब्रश का आप साइज जो यूज करना चाहते हो लिखने के लिए वो कितना लेना है, ठीक है। दिस वेरीज फ्रॉम 1 to 20, 25 आई थिंक, सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रीन। अगर आपकी स्क्रीन फ़ोन की बड़ी है तो आप ब्रश साइज ज़्यादा ले सकते हो, अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन छोटी है जैसे मेरे पास Redmi 3S है तो आप ब्रश साइज अबाउट 15 ले सकते हो, 14 to 15। सो दिस इज़ अ ब्रश साइज, ठीक है। सो
सो देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस इफ़ यू विल डाउनलोड द ऐप। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा, ठीक है। बाकी ट्राई करना, एंड इफ़ यू फील दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल दैन यू कैन शेयर एंड लाइक दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच टीचर्स, एंड आई होप यू इफ़ यू विल लाइक दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।